नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं बी फिल्म सिस्टर मीडिया। एक भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। वैसे आपको बता दें, इन दिनों भोजपुरी फिल्में में सिर्फ ट्रेलर रिलीज हो रही हैं, फिल्में नहीं रिलीज हो रही, क्योंकि फिल्में ज़्यादातर सैटेलाइट पे ही रिलीज हो रही, थिएटर्स में नहीं रिलीज हो रही। कोरोना की वजह से लगभग सारे बंद थे, अब चालू हो रहे हैं, पर लेकिन ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें, हम कौन से फिल्म की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बैरी सुरतिया करके ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि फिल्म, वैसे आपको बता दें, बैरी कंगना टू जो कि पहले ही बहुत टाइम पहले आ चुकी है। बैरी कंगना मतलब एक ऐसी फिल्म थी, फैमिली ड्रामा फिल्म थी और थोड़ा हॉरर टाइप उसमें ट्विस्ट डाला गया था, जिस वजह से वो फिल्म अपने टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। लगता है मेकर्स ने उसी नाम को देखकर ये बैरी सुरतिया इस फिल्म का नाम रखे हैं। बट हमने ट्रेलर देख लिया, लेकिन ट्रेलर की क्या कहानी है और क्या गाने हैं और एक्टिंग कैसी है, म्यूजिक कैसा है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। वैसे तो आपको बता दें कि जितनी स्टोरी मुझे ट्रेलर में समझ में आई उसके बारे में पहले आपको बता दें। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके डबल रोल होंगे इस फिल्म में। पहले वाला क्या करता है, वो गलतियां करता है, एक से प्यार करता है, फिर किसी लड़की के साथ दुष्व्यवहार करता है, फिर उसे जान से मार देता है, फिर उसी के शक्ल का कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पे जाके पहुंचता है, फिर उसके अंदर वो भूत आ जाता है और वो भूत अपना, जिन्होंने उसको मारा था, सबसे बदला लेती है। यही पूरी कहानी है फिल्म की। एकदम बकवास, ज़रा भी ढंग की कहानी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी साउथ या बॉलीवुड की थोड़ी थोड़ी स्टोरी उठाकर ऐसी बैरी सुरतिया बना दिया है। ऐसा लग रहा है हीरो को कोई नया लॉन्च करना है। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में ही एक्ट्रेस जो हैं, जिन्होंने भूत का किरदार निभाया, जिनके अंदर भूत जाता है, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। और लीड एक्टर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किए हैं, बट स्टोरी ज़रा भी दम नहीं है। स्टोरी की वजह से पूरी फिल्म ख़राब हो जा रही, पूरी वेस्टेज। दूसरी ये बात है कि इस फिल्म के जो गाने हैं, गाने, दो गाने हैं जो मुझे ट्रेलर में सुनने को मिले। एक गाना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है, लेकिन दूसरा गाना वही एकदम बकवास है। आइटम सॉन्ग है, पर उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा खर्चा किया गया, यूं ही शूट कर लिया गया। सबसे बड़ी गलती की गई है इस फिल्म के ट्रेलर में ही है, जो कि फिल्म रिलीज होगी, इसकी एडिटिंग इतनी बेकार है कि कोई सीन कभी भी आ रहा है, कोई गाना कभी भी आ रहा है, कोई डायलॉग कभी भी आ रहा है। डायलॉग ऐसे, डायलॉग बोलने पहले ही साउंड इफेक्ट डाल दिया जा रहा है, तो इस वजह से ये फिल्म एकदम बकवास है। और आप अपना टाइम खराब ना करें इस फिल्म को देखने के लिए, इससे अच्छी आप कोई और भी फिल्म देख सकते हैं। बैरी सुरतिया जिन्होंने बनाया है, लगता है अपने लिए ही फिल्म बनाई होगी, वो खुद ही ये फिल्म को देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि ये फिल्म कैसी है। और एंटरटेनिंग होनी चाहिए, फैमिली ड्रामा होनी चाहिए। और अभी तो फिल्म लेवल भी बढ़ रहा है, जो कि अभी भी मेकर्स ने ये नहीं डिसाइड किया इसके नाम से ही। बैरी कंगना जब आई थी वो उस टाइम की थी ना, अब की जो जनरेशन को अब किस तरह की हॉरर मूवी चाहिए। वैसे भी बॉलीवुड में भी हॉरर बहुत सारा बना के फेल हो चुके हैं, लेकिन भोजपुरी में अभी एक दो फिल्में बनाई हैं जो कि फ्लॉप रही है। अब ये फिल्म भी मुझे ऐसा लगता है पूरा फ्लॉप होगा। अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो आप खुद ही ट्रेलर जाके देखिए और अपना रिव्यू हमें ज़रूर देखिए, बताइए। और देखते रहिए बी फिल्म सिस्टर मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।